डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स ऑफ साइक्लोथेमिया डिसऑर्डर ना वी विल डिस्कस के कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हैं जिनको फर्दर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है सो हेयर वी विल गो बेसिकली डी एस एम फाइव जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि आप उस वक़्त तक साइक्लोथीमिया किसी भी चाइल्ड को या एडोलसन को डायग्नोज नहीं कर सकते unless, जो उसकी मूड डिस्टर्बेंस है एक तो वो फ्लक्चुएट करे सेकेंडली वो क्रॉनिक हो ठीक है क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि साइक्लोपीमिया का जो टाइम पीरियड है वो एटलीस्ट वन ईयर है तो आपने इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक साल के अंदर बच्चे का जो मूड है वो स्विंग करे हाई एंड लो के ऊपर जाए और चूंकि वो एटलीस्ट लीस्ट वन ईयर है तो दैट्स वाई वो क्रॉनिक होगा देन अगर जो एक चाइल्ड है या एडॉलसनस है जिसको आपने साइक्लोथेमिया डिसऑर्डर डायग्नोज किया है लेकिन लेटर ऑन वो फुल फ्लैच मैनिक एपिसोडिप्रेसिव एपिसोड या हाइपोमैनिक एपिसोड को एक्सपीरियंस कर लेता है तो फिर हमें उसका जो डायग्नोसिस है वो साइक्लोथेमिया का ड्रॉप करना पड़ेगा और हमें उसको बाइपोलर वन डिसऑर्डर या बाइपोलर टू डिसऑर्डर के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो साइक्लोथीमिया है उसके अंदर ना मेजर डिप्रेसिव एपिसोड पूरी फुलफिल हो रहा होता है क्राइटेरिया ना मेनिया का पूरा फुलफिल हो रहा होता है ना हाइपोमेनिया का फुलफिल हो रहा होता है ठीक है लेकिन अगर उसका मूड फ्लक्चुएट है क्रॉनिक है वन ईयर की एपिसोड के साथ वो आपके पास आ रहा है और उसके बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप ये देखते हो कि किसी एक स्टेज के ऊपर जाके वो पूरे के पूरे मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है या मेनिया के एक्सपीरियंस शुरू कर देता है या हाइपोमेनिया के शुरू कर देता है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बाइपोलर वन डिसऑर्डर में जा रहा है या बाइपोलर टू डिसऑर्डर में जा रहा है या वो पूरा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर लाइक कर रहा है ठीक है फिर जो इम्पेयरमेंट है वो डेवलप हो रही होती है उसके अनस्टेबल साइक्लिक मूड मूड की वजह से ठीक है mood है क्योंकि उसका जो वो unpredictable होता है इस वजह से अक्सर जो हम ये बात कहते हैं कि जो साइक्लोथीमिया होता है उसमें फंक्शनल इम्पेरिटी इम्पेयरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बायोपोलर वन डिसऑर्डर या बायोपोलर टू डिसऑर्डर तो उसका मेन वजह ये है कि इनका मूड जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है ये लोग यूजुअली टेम्प्रामेंटल मूडी ही अनप्रडिक्टेबल इनकन्सटेंट एंड रिलायबल मूड के रेफरेंस में जाने जाते हैं चूँकि इनका मूड स्टेबल नहीं होता अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती इस वजह से जो इनका फंक्शनैलिटी लेवल है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है तो ये वो फीचर्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है जब आप साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर किसी को डायग्नोज करेंगे